हाई एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास टेन साइंस डेट इज लाइफ प्रोसेस सबसे पहले देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी के फंक्शन को मैंटेन करता है और हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है उसे हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ऐसे सभी प्रोसेस जो मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस और डिफरेंट टास्क करते रहते हैं हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसे हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें यही चार पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रियट फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन अब देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन वाटर विटामिन्स और मिनरल्स तो जब हम किसी फूड में से कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब न्यूट्रिएंट्स को अगर लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक पहला आता है ऑटोट्रॉफिक इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से और सनलाइट के प्रजेंस में अब यहाँ पर सिंपल इन इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है देखिए सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो हमें एनवायरनमेंट में इजीली मिल जाए फॉर एग्जांपल वाटर और सीओ टू ये दोनों ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो हमें इजीली एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल होगा हमारे पास प्लांट अब सेकंड आता है हमारा हेटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम फॉर फूड टू सर्वाइव ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिजम दूसरे ऑर्गेनिजम पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स अमीबा एसेट्रा अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 टू वाटर बाई यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसेंथेसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के हेल्प से और इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के प्रजेंस में बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है सी ओ टू प्लस एच टू ओ गिविंग एज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा सनलाइट प्लस क्लोरोफिल मिस ये रिएक्शन बिना सनलाइट और क्लोरोफिल के होगा ही नहीं अब आप बताइए सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स होता क्या है ये होता है ग्लूकोज अब देखते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो भाई हमने फोटोसिंथेसिस किया बट उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स लगे हैं रॉ मटेरियल का मतलब हो जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कहीं भी इजीली मिल जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में तो वही चीज़ यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए अब आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं बिना उसके फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो यहाँ पर हमारे पास चार पॉइंट हैं फर्स्ट वन है सनलाइट सेकंड है क्लोरोफिल फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो इनमें से अगर कोई एक प्रजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है अब इस फिगर को आप देखिए यहाँ पर सनलाइट एनर्जी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये सब आपस में मिल के सब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं अब आता है हेट्रोट्रॉफिक तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब मैंने आपको बताया जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं वो किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीन टाइप्स होते हैं पहला होता है सेप्रोफाइटिक दूसरा होता है पैरासाइटिक और थर्ड वाला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑप्टिन फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई सड़े गले मैटर से अपना फूड प्राप्त करता है फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया और फंगी तो ये बैक्टीरिया और फंगी जो है कोई भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें अपना फूड प्राप्त करते हैं अब सेकंड आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन द मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन फूड फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले लेगा बट वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं फॉर एग्जाम्पल होता है मॉस्कीटो मॉस्कीटो आपकी बॉडी पर आके बैठेगा आपकी बॉडी से ब्लड ले लेगा ले वो ब्लड उसका फूड होता है बट वो आपको मारता नहीं है तो वो होगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब आता है इसमें एक टेप तो टेप हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ये हमारे बॉडी से ही अपना खाना प्राप्त कर लेता है अब आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेसन डाइजेशन एब्जॉर्बशन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल ये एक ऐसा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है जिसमें इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बशन और एसीमलेशन होता है उसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल और ह्यूमन बींग्स तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इंजेक्शन का मतलब होता है हमारे मुंह में फूड इंटर करना जैसे ही हमने अपने मुंह में फूड इंटर किया वो हो जाता है इंजेक्शन और उस फूड का डाइजेशन होता है डाइजेशन उसमें जो यूजफुल मटेरियल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इन सबको एब्जॉर्ब करना ये होता है एबजॉर्बशन और जो वेस्ट मटेरियल हैं उन्हें बाहर निकालना होता है ऐसी अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है सबसे पहले आता है माउथ तो माउथ से हम इंटेक करते हैं मीन्स माउथ से हम फूड को अंदर लेते हैं फिगर के साथ समझिए यह माउथ यहाँ से हम फूड का अंदर लेते हैं सेकंड आता है टीथ टीथ मतलब होता है दांत ब्रेक द फूड तो हमारे दांतों का क्या काम होता है ये खाने को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेज में तोड़ते हैं फिर उसके बाद आता है टंग टेस्ट एंड रोलिंग द फूड तो टंग का काम होता है फूड को टेस्ट करना और फूड को रोल करना अब इसी के अंदर एक टर्म आता है सलाइवरी ग्रैंड सलाइवरी ग्रैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं लार तो जैसे ही खाना मुंह में गया सलाइवरी ग्रैंड सलाइवा प्रोड्यूस करने लगता है और हमारी टीथ उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और हमारा टंग खाने को सलाइवा के साथ मिक्सअप करता है फिर उसके बाद खाना जाता है हमारे ऑसोफेगस में इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर अब हमारा जो फूड था वो आ जाता है ऑसोफेगस में ऑसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप फिगर में देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ये नली इसे हम क्या कहते हैं फूड पाइप मीन्स ऑसो फेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट तो ऐसा फिगर्स का काम होता है हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक फूड को लेके जाना इसमें एक टर्म है पैरिस्टैल्टिक मूवमेंट तो इसका मतलब होता है कि जैसे ही हम फूड को मुंह में लिए फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ फूड जैसे ही अंदर जाएगा फिगर में आप देखिए सपोज़ फूड यहाँ पर है तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और इसके नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा फैल जाएगा उसकी वजह से जो फूड है वो इजीली नीचे आ जाएगा इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट एसोफेगस फिगर्स के बाद फूड आ जाता है स्टमक में स्टमक इज़ लार्ज ऑर्गन इट एक्सपेंड वन फूड इंटर इन इट तो स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जैसे ही इसमें फूड आता है ये एक्सपेंड हो जाता है इसके अंदर एक टर्म आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम होता है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना और गैस्ट्रिक जूस में होता है एच सी एल और म्यूकस तो इनको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले एच सी एल एच सी एल क्या होता है एच सी एल मेक्स मीडियम एसिडिक तो स्टोमक का जो मीडियम होता है काम करने का उसे एसिडिक बनाता है किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड तो फूड में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें मारने का काम करता है हमारा एच सी एल फिर आता है पैप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करना फिर आता है हमारा म्यूकस म्यूकस का काम होता है हमारे स्टोमक के अंदर जो इनर लेनिंग है उसे प्रोटेक्ट करना बिकॉज एच एक एसिड होता है और एसिड के वजह से हमारा जो इनर लेनिंग है उस पे पर प्रभाव पड़ सकता है तो उसकी वजह से म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है अब स्टमक के बाद जो फूड है वो आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इसमें आता है लीवर इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट तो लीवर का क्या काम होता है कि बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है अब देखते हैं बाइल जूस क्या होता है बाइल जूस का काम होता है इट मेक्स द फूड एल्कलिन बाइल जूस फूड को एल्कलिन बनाता है तो आपने देखा जो स्टोमक होता है उसका मीडियम होता है एसिडिक उसको एसिडिक बनाया गया है फिर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बैलजूस फूड को एल्कलिन बनाता है मीन्स बेसिक हमने एसिड बेसिस और साल्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था बेसिस को एल्कलिन भी कहते हैं इट मेक्स द फूड एल्कलिन अब आता है बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन अब आता है हमारा पॉइंट गाल ब्लैडर इट स्टोर्स बाइल जूस एंड सॉल्ट गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को स्टोर किया जाता है इसमें एक पॉइंट है पेंक्रियाज तो पेंक्रियाज में है ट्रिप्सिन और लेपीज तो ट्रिप्सिन का क्या काम होता है ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन करता है इसमें सेकंड है लिपेज। इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैक्ट जो इमल्सिफाइड फैक्ट है उसे ब्रेकडाउन करता है इसमें आता है विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्माल इंटेस्टाइन तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैं समझाता हूँ सपोज़ यह है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ये इसके अंदर कुछ इस टाइप का होता है तो इसे हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इधर से भी होता है और इधर से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन साइड स्माल इंटेस्टाइन दिस इंक्रीज इज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्पन तो इसकी वजह से एब्जॉर्बन का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है विलाई आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसेल तो विलाई ब्लड वेसल को फूड सप्लाई करता है देन द ब्लड वेसल टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी स्टेल ऑफ द बॉडी फिर जो ब्लड वेसल होता है वो फूड को हमारे शरीर के सभी सेल के पास पहुंचा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में द अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल अब जो अन एब्जॉर्ब फूड होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल्स होती हैं उसकी जो, जो दीवारें होती हैं वो उसमें से और भी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स रिमूव फ्रॉम बॉडी वाई अनस और जो बाकी का मटेरियल्स होता है उन्हें हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है एन की हेल्प से हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे चार टॉपिक न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेशन तो हमने न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है अब हम देखेंगे रिस्पिरेशन नेक्स्ट पेज पर तो सबसे पहले देखते हैं रिस्परेशन होता क्या है वाट इज़ रिस्प्रेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रिस्परेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी को रिलीज करते हैं हमारे फूड से उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है फूड प्लस ऑक्सीजन गिविंग एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी अब इसमें एक टर्म आता है ब्रीदिंग द मैकेनिज्म बाईविच ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकालता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस ब्रीदिंग होता है एक फिजिकल प्रोसेस अब आता है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन के पास होते हैं दो टाइप फर्स्ट वन है एरोबिक और सेकेंड वन है एनारोबिक ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट हैं आइए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर तो सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रिस्परेशन एरोबिक का मतलब होता है विथ एयर तो इसके नाम से हमें कंफर्म हो जाता है कि इसमें एयर इन्वॉल्व होगा इसका डिफिनेशन हो जाएगा द रिस्परेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज एरोबिक रिस्परेशन एक ऐसा रिस्परेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसे हम कहेंगे एरोबिक रिस्परेशन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्परेशन बिकॉज इट यूजेज एयर विच कंटेन ऑक्सीजन इसे हम एरोबिक रिस्परेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एयर इन्वॉल्व होता है और एयर में ऑक्सीजन होता है अब आता है एनारोबिक रिस्परेशन द रिस्परेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्परेशन तो ये उसका जस्ट अपोजिट होता है एनारोबिक का मतलब ये होता है विदाउट एयर कि एक ऐसा रिस्पिरेशन होता है जिसमें एयर का इन्वॉलमेंट नहीं होता है इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन बिकॉज इट टेक प्लेस विदाउट एयर वही सेम चीज़ है अब हम देखते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट तो प्लांट कैसे रिस्पिरेशन करते हैं लाइक एनिमल प्लांट आल्सो नीड एनर्जी जैसे एनिमल को एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी तरह से प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है द प्लांट गेट दिस एनर्जी बाई द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन प्लांट अपनी एनर्जी रेस्परेशन की हेल्प से पाते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विथ ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिस्पिरेशन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्व करता है और उन्हें ग्लूकोज के साथ मिक्स करके सीओ टू एच टूओ और एनर्जी फॉर्म करता है दस द रिस्परिएशन इन प्लांट आल्सो इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड सीओ टू इसीलिए रेस्परेशन इन प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अब आता है गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन प्लांट थ्रू तो प्लांट में कैसे कैसे गैसियस एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर है तीन पॉइंट स्टोमेटा इन लीव इसके पत्तों में होता है स्टोमेटा वहाँ से गैसेज का एक्सचेंज होता है सेकेंड आता है लेट इन स्टें तो प्लांट के स्टेम में होता है लेंट वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है लास्ट आता है सरफेस ऑफ रूट रूट का जो सरफेस होता है वहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है द डाउन ऑफ पेरवेट टू गिव CO2, टू वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन यहाँ पर हमारे पास है चार ऑप्शन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सेकंड वाला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज़ ट्रेकियाज एज द रिस्पेरेट्री ऑर्गन दिस एनिमल इज़ तो इन चारों में से एक ऐसा एनिमल है जो ट्रेकिया को अपने रिस्पेटरी ऑर्गन के तौर पर काम नहीं करता है तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रास ऊपर रेड मॉस्किटो और कॉकरोच अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिस्प्रेशन इन एनिमल डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मोड ऑफ़ रिस्प्रेशन डिफरेंट एनिमल के पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा रिस्प्रेशन टेक प्लेस बाई सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन तो अमीबा होता है यूनि सेलुलर एनिमल अमीबा में जो रिस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन सेकंड आता है अर्थफॉर्म द एनिमल लाइक अर्थफॉम विच लिव इन दॉयल यूज देयर स्किन टू एब्सॉर्व ऑक्सीजन फ्राम एयर एंड रिमूव यू टू सो रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थफॉर्म इज़ द स्किन तो जो अर्थफॉर्म होता है वो मिट्टी में रहता है और अपनी स्किन का यूज़ करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है और सी टू को रिमूव करता है इसी इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो उसको हम स्किन कह सकते हैं और आता है एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश हो गया तो जितने भी एकवेटिक एनिमल हैं सबके पास होता है गिल्स और ये गिल्स उनके रिस्पिरेटरी ऑर्गन की जैसे काम करता है इन इंसेक्ट लाइक ग्रास ऊपर कॉकरोच फ्लाई एंड मॉस्किटो तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास होता है टिनी होल्स जिसे हम कहते हैं स्प्रेकल और ये होल्स होते हैं उनके बॉडी पर और उनके पास होता है एयर ट्यूब और एयर ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकियाज तो कहने का मतलब इनके पास स्प्राकल और ट्रैकियाज होते हैं रिस्पेटरी ऑर्गन के तौर पर अब आता है लैंड एनिमल सच एज़ मैन बर्ड लिजार्ड डॉग एंड फ्रॉग तो जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं उनके पास होता है लंग्स मीनस फेफड़ा तो यहाँ पर एक पॉइंट है फ्रॉग हावेवर ब्रीथ बोथ बाय लंग एंड स्किन अब देखते हैं कॉमन इन ऑल रिस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास जितने भी रिस्पिरीटरी ऑर्गन हैं जैसे गिल हो गया लंग्स हो गया तो इन सब में कुछ कॉमन थिंग्स होते हैं फर्स्ट ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन हैव ए लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन अब आता है सेकंड वाला ऑल द रिस्पेटरी ऑर्गन हैव थिन वॉल्स फॉर ईजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रिस्पेटरी गैसेज तो जितने भी रिस्पेरेटरी ऑर्गन होते हैं सबके पास होता है थिन वॉल और थिन वॉल की हेल्प से वो ईजी डिफ्यूजन कर पाते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो पाता है ईजिली ऑल द रिस्पेरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन गेल्स एंड लंग्स हैव ए रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसफरिंग रिस्परेटरी गैसेज सभी के पास गैसेज सप्लाई करने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है अब तो देखते हैं रिस्प्रेशन इन अमीबा अमीबा कैसे रिस्प्रेशन करता है जैसा कि आपको पता है अमीबा एक यूनि एनिमल है मीन्स सिंगल सेल्ड एनिमल अमीबा डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अमीबा सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पर डिपेंड रहता है ब्रीथिंग करने के लिए द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस थिन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा तो ये होता है अमीबा के सेल मेम्ब्रेन में अब आता है रिस्प्रेशन इन अर्थफॉर्म तो इसका तो एक अलग फंडा होता है द अर्थॉम एक्सचेंज द गैसेस थ्रू इट्स स्किन अर्थॉम अपनी स्किन के हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज करता है दिस मीन्स दैट द रिस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एन अर्थॉम इज इट्स स्किन इसका मतलब इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो इसका स्किन इसकी है इसकी स्किन होती है क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट सो द अर्थ एम ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन नीडेड फॉर रिस्प्रेशन थ्रो इट्स मॉइस्ट स्किन तो अपने मॉइस्ट स्किन से इसको जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना ये ऑब्जॉर्व कर लेता है अब आता है रिस्प्रेशन इन फिश फिश कैसे रिस्प्रेशन करते हैं द फिश है स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्प्रेशन दैट इज गिल तो फिश के पास होता है गिल्स द फिशेज हैज़ गिल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड उनके सर के दोनों साइड में होता है गिल्स द गिल आर कवर्ड बाय इट्स गिल कवर तो गिल्स होते हैं वो गिल कवर से ढके हुए होते हैं वेन वाटर पासिस थ्रू ओवर द गिल्स एक्स्ट्रैक्ट डिज़ोल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर जैसे ही पानी इन गिल के पास से गुजरता है तो जो गिल्स होते हैं वो वाटर में से ऑक्सीजन को डिज़ोल्व कर लेते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन के पास कैसा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ऑक्सीजन इज़ टेकन इंटू बॉडी थ्रू द नोज़ तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को नोज़ के थ्रू इंटर किया जाता है द एयर इज़ फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर्स इन नोज़ तो ह्यूमन बॉडी के नोज़ में होता है फाइन हेयर्स छोटे छोटे बाल और उन्हीं बाल की वजह से जो एयर होता है वो फिल्टर हो जाता है फ्रॉम नोज़ द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स नोज के बाद जो एयर है वो थ्रोट मिस गले से होता हुआ लंग्स तक पहुंच जाता है अब देखते हैं लंग्स में क्या होता है द एयर पासिस डिवाइडेड इंटू स्मालर एंड स्मालर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एलवीओली लंग्स में पहुंचने के बाद एयर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता जाता है और फाइनली पहुंचता है अलवियोली में अलवियोली इट इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर अलियोली का स्ट्रक्चर होता है एक बैलून टाइप का विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ़ गैसेस और इसके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक सरफेस होती है द वॉल्स ऑफ द एलवियोली कनेक्ट विथ ब्लड वेसल इसकी जो वॉल्स होती हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं देन ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोरी एंड कैरीड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट अब जो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में डिज़ोल्व हो गया है वो एल्वियोरी से लंग में फिर लंग से होता हुआ पूरे बॉडी पार्ट में कैरी कर दिया जाता है द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीजेज इंटू एलियोली जो ब्लड होता है वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड सेल के पास से लेके आता है वो अलियोली में रिलीज कर देता है तो अभी तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया रिस्पेशन पढ़ लिया अब नेक्स्ट पेज से हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू एन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इसके अंदर हमें पढ़ना है दो टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसमें आता है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिशू इन ह्यूमन तो ह्यूमन के अंदर होता है ब्लड और ब्लड कनेक्टिव टिशू होता है इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट from away from those सेम सेल तो ब्लड का काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास तक नेसेसरी सब्सटेंस को पहुंचाना और हमारे सेल्स के पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उन्हें सेल से निकाल के बाहर तक पहुंचाना अब देखते हैं ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं तो ब्लड के पास होता है प्लाज्मा इट इज़ येलो कलर फ्लूड तो प्लाज्मा का कलर होता है येलो कलर ये एक येलो कलर का फ्लूड होता है इट ट्रांसपोर्ट फूड तो ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है अब इसमें आता है रेड ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं आर बी सी इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इसमें आता है एक एक टर्म प्लेटलेट तो इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए ब्लड क्लोटिंग का मतलब हो जाता है ब्लड को जमाने के लिए उसको फ्रीज़ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहीं चोट लग जाती है खून निकलने लगता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर खून जम जाता है ये होता है प्लेटलेट की वजह से इसका काम वही होता है कि खून को जमा देना क्योंकि अगर आपके बॉडी से ज़्यादा खून बाहर आ जाएगा तो आपकी कंडीशन सीरियस हो सकती है अब आता है इसमें वाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड सेल दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस एंड जब वाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वायरसेस हैं उनके साथ फाइट करना द हार्ट पम्प्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल तो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है ब्लड वेसल की हेल्प से अब देखते हैं हार्ट हार्ट के बारे में हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल तो ये वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ होता है अगर इसके शेप की बात करें तो ये रफली ट्रेंगुलर होता है इसके पास होते हैं चार कंपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं फोर चैम्बर्स द जॉब ऑफ हर्ट इज टू पम्प ब्लड अराउंड आवर बॉडी इसका काम यही होता है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना अब देखते हैं ये काम कैसे करता है हाउ हर्ट वर्क डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्ट्रियम यह होता है हमारा हर्ट अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा इसका चार पार्ट इस साइड का होता है राइट और इधर का होता है लेफ्ट ये होता है राइट वेंट्रिकल ये होता है राइट ऑट्रियम और, और, और इधर वाला हो जाएगा लेफ्ट ऑट्रियम और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल तो आपको उसमें राइट और लेफ्ट लगा देना है अब राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आता है डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ऐसा ब्लड विच देन पम्पेड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से उसे पंप कर दिया जाता है लंग्स में थ्रू आर्टरीज वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन तो लंग्स में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप करता है फिर ऑक्सीजन को ले करके कैरी करके वापस आता है देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम कम इन लेफ्ट आर्ट्रियम फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो हो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में विच देन पंप्ड टू बॉडी पार्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ऑर्टा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे पंप कर दिया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अब देखते हैं ब्लड वेसल इसमें आता है ऑर्ट्रीज डीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हर्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है पुलमोनरी आर्टरी आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना आर्टरीज होते हैं थिक एंड इलास्टिक स्मॉलेस्ट वेसल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज जो सबसे इस्मालेस्ट वेसल होता है जो वन सेल थिक होता है मीन्स एक सेल के बराबर होता है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। अब देखते हैं वेंस वेंस कैरीज डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन अब वेंस का भी यही काम होता है कि वो डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाएं एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन दिज आर थिन एंड लेस इलास्टिक तो ये होते हैं लेस इलास्टिक और ट्रीज के कंप्रेशन में अब इसके अंदर एक टर्म आता है लिम्फ दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूड लाइक ब्लड इसे भी ब्लड की तरह ट्रांसपोर्टर फ्लूड कह सकते हैं द पोर्स प्रजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपलेज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स स्केप इंटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ तो लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है कैपलरीज का जो वॉल्स होता है उसमें से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल इस्केप कर जाते हैं मीस वहाँ से निकल जाते हैं बाहर तो आपस में मिल करके फॉर्म करते हैं लिम्फ इट इज कलरलेस तो लिम्फ होता है कलरलेस लिम्फ एब्जॉर्ब द ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन से फैट को ट्रांसपोर्ट करता है इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबोलिज्म जो एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसे ये ड्रेन करने का भी काम करता है इसके अंदर एक और टर्म आता है हर्ट बीट हार्ट बीट क्या होता है वन कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हर्ट इज कॉल्ड ए हर्ट बीट एक कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन को हम कहते हैं हर्ट बीट अब हम देखेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो प्लांट के पास होते हैं दो टिशू जिन्हें हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर टिशू फर्स्ट वन है ज़ाइलम, और सेकंड वन है फोइलम इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पार तो का काम बहुत ही सिंपल सा है ज़ाइलम वाटर और मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में पहुँचाता है मींस इसके रूट से ले करके हाईएस्ट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुँचाता है इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवार्ड। ये सिर्फ ऊपर ही ट्रांसपोर्ट करता है मीन्स अपवार्ड। ये डाउनवर्ड नहीं करता है it works on the principle of transpiration xylem principle of transpiration pe work karta hai ab aata hai hamara phloem it transport food from leaves to other part of the plant इसका काम होता है लीव्स से ले करके पूरे plant के सभी पार्ट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना सेकेंड पॉइंट है इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड मीनस ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी थर्ड आता है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन लीव्स इस पेड़ की पत्तियों से लेकर के उसमें जब फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन इसी के साथ हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक कंप्लीट। अभी अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन को भी कंप्लीट कर लिया अब हमारा टॉपिक बचता है एक्सक्रेशन तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रेशन होता क्या है द मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ इन बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत सारे वेस्ट को जनरेट कर देती हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं अब देखते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या होते हैं सबसे पहला आता है इसमें डाइजेस्टिव वेस्ट जैसे आपको पता है डाइजेस्टिव वेस्ट होता है सेकंड आता है रेस्पिरेटरी वेस्ट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हमने रिस्प्रेशन वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया है मीन्स इस एक्सप्रेशन वाले पार्ट में हमें डिस्कस करना है थर्ड वाला नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया यूरिक एसिड वाटर एसिड तो सबसे पहले देखेंगे हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले आता है इसमें दो किडनीज़ देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये फर्स्ट वाली किडनी और ये सेकंड किडनी यूरेटर्स एक ह्यूमन बॉडी में दो यूरेटर्स होते हैं आता है यूरेनरी ब्लैडर ये तो सिंगल होता है और आता है यूरेथ्रा ये भी सिंगल होता है अब हम डिस्कस करते हैं किडनीज़ यूरेटर्स यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथरा के बारे में नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले देखते हैं किडनी किडनी का फंक्शन क्या होता है इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट को रिमूव करता है फिर वेस्ट आता है यूरेटर्स में इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरेनरी ब्लैडर इसका काम होता है जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको किडनी से यूरेनरी ब्लैडर तक पहुंचाना फिर आता है इसमें यूरेथ्रा ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी यूरेथ्रा की हेल्प से जो यूरिन होता है वो हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है फिगर में आप समझिए यह है किडनी ये होता है यूरेटर तो किडनी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरेटर की हेल्प से बाहर निकल जाता है यहाँ नीचे यूरेटर की हेल्प से यूरेनरी ब्लैडर तक पहुँच जाता है और यूरे यूरेनरी ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन फिर उसके बाद ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की हेल्प से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है इसमें एक पॉइंट है किडनी है फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन तो किडनी के अंदर होता है फिल्ट्रेशन यूनिट जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन नेफ्रॉन और फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होता है किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन में आता है वोमेंस कैप्सूल ये फिगर होता है नेफ्रॉन का ये देखिए यहाँ पर है वोमेंस कैप्सूल और यह होता है हेनलीज लूप यहाँ पर लिखा हुआ लूप ऑफ हेनलीज वो इसे कहते हैं वोमन कैप्सूल क्या होता है इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन तो वोमेन कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट करता है हनलीज लूप रीअबॉर्बशन ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड वाटर इसका काम होता है ग्लूकोज एमिनो एसिड और वाटर का रीऐब्जॉर्बेशन करना अब हम देखते हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट तो प्लांट का एक्सक्रेशन कैसे होता है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा प्लांट के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है तो प्लांट ऑक्सीजन को रिमूव करती है स्टोमेटा की हेल्प से सेकंड है एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो एक्सेस वाटर होता है मीन जो एक्स्ट्रा वाटर उसे भी स्टोमेटा की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से और लास्ट होता है प्लांट्स आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्ग तो प्लांट के पास जो जो पुराने पत्ते हो जाते हैं जो पीले पड़ जाते हैं वो भी उसके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें भी प्लांट नीचे गिरा देता है और उसके जो बार्क होते हैं उसके जो छिलके होते हैं वो भी जब पुराने हो जाते हैं तो उसे भी प्लांट लीव कर देता है अब देखते हैं प्लांट के पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे प्लांट एक्सक्रेशन करता है इसमें फर्स्ट वन है द प्लांट गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू एस्टोमेटा एंड लीव्स एंड स इन स्टेम तो प्लांट के पास जो गैसियस वेस्ट होता है उसे वो ल्यूज में स्टोमेटा की हेल्प से और स्टेम में लेंटिसल्स की हेल्प से रिमूव कर देता है सेकंड आता है द प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स तो प्लांट के पास जो वेस्ट होता है उसे वो गम्स के फॉर्म में भी रिमूव करती है अब लास्ट आता है प्लांट्स आल्सो एक्सक्रेट सम वेस्ट इनटू टू सॉयल अराउंड देम तो प्लांट अपने आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें भी कुछ कुछ वेस्ट रिलीज कर देता है अब आता है हमारा लास्ट द स्टीम ऑफ दिस ट्री इज़ सिक्रेटिंग सम ऑफ़ इट्स वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गम आपने ऐसा फिगर देखा होगा ये है ट्री और ये होता है गम इस प्लांट का जो वेस्ट है वो उसको उसको प्लांट ने गम के फॉर्म में रिलीज कर दिया है तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन रिस्परेशन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेशन सभी प्लांट और एनिमल दोनों में देख लिया है मीन्स हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपको जो भी डाउट हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं थैंक यू